अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय में अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहद खराब हो चुके थे। उस वक्त चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर भी छिड़ गई थी। अब ये खुलासा हुआ है कि दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़ गए थे कि युद्ध तक हो सकता था, जिसे रोकने के लिए अमेरिकी सेना के प्रमुख को 2 बार चीन को कॉल तक करना पड़ा था। इस बात का खुलासा वॉशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट से हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप यूएस जनरल को ये डर था कि चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहीं चीन के साथ युद्ध न छेड़ दें। इसीलिए अमेरिका सेना के प्रमुख ने राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के बाद में अपने चीनी समकक्ष को 2 बार फोन किया था। अमेरिका के चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने चीनी सेना के जनरल ली जियांगचिंग को पहली बार 30 अक्टूबर 2020 और फिर दूसरी बार 8 जनवरी को फोन किया था। मिली ने चीन को यह भरोसा दिलाया था कि अमेरिका स्थिर है और वो चीन पर किसी भी तरह का हमला नहीं करने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा था कि अगर कोई हमला होगा तो वो अपने समकक्ष को समय रहते सावधान कर देंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट पेरिल नाम की नई किताब के आधार पर बनी है, जिसे पत्रकार बॉब वुडवर्ड और रॉबर्ट कोस्टा ने लिखा है। दोनों पत्रकारों ने दावा किया है कि उन्होंने 200 सूत्रों से बातचीत के बाद ये किताब लिखी है। ये किताब अगले हफ्ते लॉन्च होने वाली है। हालांकि इस रिपोर्ट में बताई गई कहानी को डोनाल्ड ट्रंप ने मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि अगर ये कहानी सच है तो जनरल मिली पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। ट्रंप ने ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी चीन पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा था। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग की है कि वो तत्काल जनरल मिली को उनके पद से बर्खास्त कर दें। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।